वाइब्रेशन ट्रांसफर एनर्जी एज अ वेव्स टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस वाइब्रेशन ट्रांसफर करती है एनर्जी को वेव्स की सूरत में सॉलिड लिक्विड और गैस के जरिए से साउंड्स आर मच मोर स्लोअर देन द लाइट साउंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं लाइट से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेनी सीजन वी कैन सी द लाइटनिंग इन द स्काई फर्स्ट एंड देन वी कैन हेयर द एंड देन वी कैन हेयर द क्लाउड थंडर जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले आसमान पे बिजली की चमक को देखते हैं और उसके बाद फिर हम बादलों की गरज की आवाज़ को सुनते हैं सो दैट साउंड इज लाउडर देन द साउंड इज लाउड लाइट इज फास्टर देन द साउंड थैंक यू रिस्पेक्टेड मैम टीचर्स एंड मैम ऑल क्लास फेलो अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज आयदा जफर आई एम फ्रॉम क्लास 7 ग्रुप बी टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज Sound wave and I want to introduce amplitude. It is the height of the sound wave from its peak to its rest position. The size of the amplitude show how much energy carried by the wave and how loud the sound is. Amplitude sound wave की ऊंचाई इसकी center वाली position से होती है और इसका size हमें ये जाहिर करता है कि sound wave कितनी energy carryगी और कितनी एनर्जी कैरी और साउंड कितना लाउड यानी ऊंचा था नाउ लुक एट दिस प्रोजेक्ट दिस रेड लाइट्स आर द हाइट ऑफ द साउंड वेव एंड इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट्स मीन दैट दिस साउंड इज लाउडर देन इन दिस वन थैंक यू अस्सलाम वालेकुम My name is Abdurrahman and I am studying class 7. My topic name is sound wave. We often see a flash of lightning before we hear sound of thunder because light travels much faster than sound. In the air, the travel of light is 3 lakh kilometers per second. My name is The higher frequency, the higher noise.